हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि यूज होता है आइटम को कंटेनर के अंदर रैप करने के लिए। इट मींस कि जब आप विंडो का साइज़ छोटा करते हो, तो हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि जो हमारा आइटम है वो कंटेनर के बाहर जाएगा या फिर नहीं जाएगा, या फिर उतने ही साइज में जो आइटम है अपने आप ही अलाइन हो जाएगा। तो इसके पास थ्री वैल्यू है, नो रैप, रैप एंड रैप रिवर्स। नो रैप जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। यदि हम फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी ना भी यूज करें तो जो हमारा आइटम का रैपिंग होता है वो नो रैप ही होता है। तो चलिए हम सबसे पहले आउटपुट देख लेते हैं कि नो रैप में ये कैसे वर्क करता है। अभी हमने कोई भी कोडिंग में रैप प्रॉपर्टी जो है उसको यूज नहीं किया है, तो देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट में क्या सेटिंग होता है। तो सिंपली मैं इसका साइज़ जो है छोटा करता हूँ, तो आप देखोगे कि सर्टेन पोजिशन पर आने के बाद में जो आइटम है वो अपने आप ही अलाइन नहीं हो रहा है, ये कंटेनर से बाहर चले जा रहा है। ओके, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। जब हम फ्लेक्स को यूज करते हैं तो जो हमारा रैप की जो वैल्यू होती है वो नो रैप होती है, जो कि डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे हम फ्लेक्स रैप कर लेते हैं एंड यहाँ पे नो रैप कर लेते हैं, तो आप देखोगे कि अभी कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं अभी एंड जस्ट इसका साइज़ हम छोटा कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो कि जैसा पहले आउटपुट था वैसा ही है। ओके, एंड अब हम इसे रैप करके देख लेते हैं। तो रैप में क्या होगा, ये अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा, जितने भी उसके एलिमेंट हैं वो कंटेनर के बाहर नहीं जाएगा। रिफ्रेश कर लेते हैं इसे, तो आप देख सकते हो कि वर्ड का भी कोई ब्रेक नहीं हुआ। इससे पहले आप देख रहे थे कि आइटम ऊपर आ जाता था और फाइव नीचे आ जाता था, बट जब हम रैप करते हैं तो ये अपने आप ही एडजस्ट होते चला जाता है। देख सकते हो कि जितने भी लास्ट वाले आइटम थे वो नीचे चले नीचे आ जा रहे हैं अपने आप ही। इसको और छोटा कर लेते हैं, सो आप देख सकते हो कि ये अपने आप ही ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये कंटेनर के बाहर नहीं जा रहा। ओके, तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि जितने भी लास्ट वाले आइटम थे वो नीचे की ओर अलाइन हो रहा है। तो रैप रिवर्स में क्या होता है कि अभी ये नीचे की ओर अलाइन हो रहा है ना, जब हम रैप रिवर्स करते हैं तो आइटम सिक्स ऊपर की ओर अलाइन हो जाएगा। चलिए इसको हम रैप रिवर्स कर लेते हैं। तो रैप रिवर्स में क्या होगा, मैं पहले इसको विंडो का साइज बड़ा कर लेता हूँ एंड इसको रिफ्रेश कर लिया। रैप रिवर्स में क्या होगा कि आइटम सिक्स अब ये ऊपर की ओर अलाइन होगा, तो विंडो का साइज छोटा कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि जो आइटम लास्ट में था वो सारी ऊपर की ओर अलाइन हो रहा है। ओके, ये सिमिलरली वर्क करेगा हमारा यदि हम इसका डायरेक्शन चेंज कर दें जो आइटम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ, फ्लेक्स डायरेक्शन। अभी जो डायरेक्शन था ये हमारा था रो, इसको हम कॉलम में कर लेते हैं एंड इसको अभी हम कमेंट कर लेते हैं एंड जस्ट इसको रिफ्रेश कर लिया हमने। एंड जो कंटेनर है इसको हम एक हाइट दे देते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे एक हाइट दे देता हूँ 250 पिक्सल। ओके, तो अभी आप देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका साइज़ अभी थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 200 पिक्सल कर लेते हैं। सो यू कैन सी दैट कि जो हमारा कंटेनर का हाइट है 200 पिक्सल है एंड जो आइटम है इससे बाहर चले जा रहा है। तो इसी यहाँ भी ये वर्क करेगा हमारा फ्लेक्स रैप। तो जस्ट यहाँ पे क्या करना है, हमें फ्लेक्स रैप यूज करना है। इसको हम रैप कर लेते हैं एंड इसको रिफ्रेश कर लिया, तो आप देख सकते हो कि अपने आप ही ऑटोमेटिक ये ऑर्गेनाइज हो गया। जो लास्ट वाले आइटम थे वो दूसरे कॉलम में आ गया। एंड यहाँ पे भी रैप रिवर्स में क्या होगा कि जैसे कि ये लास्ट वाले में आ रहा है ना, दो आइटम नीचे वाले जो भी आइटम है वो लास्ट में आ रहा है, तो रैप रिवर्स में क्या होगा कि ये पहले आ जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, रैप रिवर्स कर लेंगे। तो अब देखोगे कि जो आइटम लास्ट में आ रहे थे, राइट साइड में आ रहे थे, वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। जस्ट इसको रिफ्रेश करना है, तो आप देख सकते हो कि जो लास्ट वाले आइटम ब्रेक हो रहे थे वो लेफ्ट साइड में आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।